छोटे छोटे बच्चों नू छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लिए स्ट्रोंग मेडिसन स्ट्रोंग एंटीबायोटिक झट तो दे दें। बच्चा 5-6 साल का भी हो गया तो हुन वो जाके हुन भी नहीं बोल रहा तब स्टैमरिंग या तोतलापन इज अ प्रॉब्लम। तोतलापन एक स्टेज से एक एज के विच बीमारी है। बच्चा 2 साल तो भी उत्ते हो गया तो या तो उसकी स्पीच बिल्कुल ही मम्मा पापा जिवें तुसीं कहा सिंगल वर्ड से या वो कोशिश ही नहीं कर रहा बोलने की। स्पीच के लिए जो कैमिकल्स एंजाइम्स बॉडी में है उन्होंने माड़ा जहा स्टिमुलेट करना पैंदा है। जब असीं उसकी मेडिसन्स करते हैं तकरीबन विद इन अ मंथ लोग दस देंगे कि हाँ डॉक्टर हूँ तो ही इज ट्राइंग लॉट ऑफ वर्ड्स। तुहानू यह पता होना चाहिए है कि उसका खान पान किस तरह का रखना है, उसकी डाइट के विच केड़ी चीज़ रखनी है केड़ी चीज़ नहीं देनी है। तुम एज पेरेंट्स बच्चे को कितना टाइम दे रहे हो घर के उस कितना कम्युनिकेट कर रहे हो तो उन्होंने बाहर की दुनिया नाल कम्युनिकेट करन दे रहे। जे बच्चे ने बोलनाइन लेट शुरू किया तो उसकी स्पीच क्लीयर होने टाइम लगेगा। सत श्री अकाल नमस्कार आदाब दर्शकों, मैं गायन तो सारे का स्वागत करती हाँ डॉक्टर खुराना हेल्थ टॉक के अज की एक गलबात एक चर्चा बहुत खास होने वाली है क्योंकि अज असी बच्चों रिलेटिड सारिया बीमारियों की गलबात करा तो बच्चे किमें मामूली जी दवाई होम्योपैथिक दवाई के असं ठीक कर सकते हैं और उन्होंने लाइफ के बहुत व्डे बदलाव लिया सकते हैं। तो अच्छ साढ़े मौजूद है डॉक्टर गुंजन खुराना जी, सत श्रीकाल जी, स्वागत है जी। तो डॉक्टर अजक ना बच्चों के बहुत तरह तरह दीमारियां चल रही ने। सब तो पहले गल करिए तो अच्छ पेरेंट्स में यह दिक्कत है साडा बच्चा 2 साल का हो गया वो बोलता नहीं है हूँ तक, वो बस मम्मा पापा तो इलावा उन्होंने तीसरा अक्षर नहीं आता। यदा की रीज़न तुम मानते हैं और तो जो बच्चे आते हैं पेरेंट्स के नाला कि एक्सपीरियंस रहा? देखो अजकल जड़ा है बहुत कॉमनली हो गया है कि बच्चा 2 साल तो भी उत्ते हो गया तो या तो उसकी स्पीच बिल्कुल ही मम्मा पापा जिवें तुसीं कहा सिंगल वर्ड से या वो कोशिश ही नहीं कर रहा बोलने की। उस दे लई तुहानूं ये समझना पैना है जी कि जिहड़ी मेजरली प्रॉब्लम है वो शुरुआत तो शुरू हो जाती है कि जब असी छोटे छोटे बच्चों नूं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लई स्ट्रोंग मेडिसन स्ट्रोंग एंटीबायोटिक झट तो दे दिंदे आ। उस दे लई ये चीज़ नहीं है कि बच्चा सफ़र करता रहे तुसी दवाई नहीं देनी, पर तुहानूं ये पता होना चाहिए है कि उसका खान पान किस तरह का रखना है, उसकी डाइट के विच केड़ी चीज़ रखनी है केड़ी चीज़ नहीं देनी है। तो प्लस ये बहुत मेजर चीज़ है कि तुसी एज पेरेंट्स बच्चे को कितना टाइम दे रहे हो घर के विच उस दे नाल कितना कम्युनिकेट कर रहे हो तो उन्हों बाहर की दुनिया नाल कम्युनिकेट करन दे रहे हो। अजकल मैं बड़ी नॉर्मली देखा है कि कई बार पेरेंट्स होंगे नहीं बाहर ठंड है बाहर आस पास बच्चे अच्छे नहीं है नहीं इतने सेफ नहीं है। जे तुसी बच्चे नूं कम्युनिकेट नहीं करन दोगे तो बच्चे ने बोलना किवें? फिर भी जे तुसी ये सब कुछ भी कर रहे हो तो फिर भी बच्चा नहीं बोल रहा तो उस दे लई बड़ा ईजी होंदा है कि उस दे जिहड़ी स्पीच दे हॉर्मोनस होंदे ने यानी स्पीच दे लई जिहड़े कैमिकल्स एंजाइम्स बॉडी विच है उन्हों माड़ा जिहा स्टिमुलेट करना पैंदा है। जब असी उसकी मेडिसन्स करते हैं तकरीबन विद इन अ मंथ लोग दस देंगे कि हाँ डॉक्टर हुण तां ही इज ट्राइंग लॉट ऑफ वर्ड्स, बहुत सारी लाइनस जोड़न लग गए अगे जाके पैराग्राफ बन जाते, कुछ 3-4 महीने के नॉर्मली बोलन लग जाता। डॉक्टर साहब तोतलापन की एक बीमारी है? तोतलापन एक स्टेज से एक एज के विच बीमारी है। जे बच्चे ने बोलनाइन लेट शुरू किया तो उसकी स्पीच क्लीयर होने टाइम लगेगा जिन्ना टाइम एक नॉर्मली होंगे। जे अगे जाके भी बच्चा 5-6 साल का भी हो गया तो हुण वो जाके हुण भी नहीं बोल रहा तब स्टैमरिंग या तोतलापन इज़ अ प्रॉब्लम। अदरवाइज उस तो पहला इट इज़ अ प्रोसैस ओनली तो उस दे लई सबर रखना बड़ा जरूरी है। पेरेंट्स नूं अजकल चाहिए झट तो बस अज वो बोल रहा है कल तो पैराग्राफ बोलन लग जाए तो 3 महीने पिछे उसकी स्पीच क्लीयर हो जाए। इस तरह नहीं होंगे, हर केस के तोतलापन बीमारी नहीं होंगी।